तो सुबह के 4 बज चुके हैं और हम जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। सुबह मंदिर 4 बजे खुल जाता है, तो 5 बजे तक हम जाएंगे। और बाकी आइए आपको दिखाते हैं सुबह है बनारस का माहौल कैसा रहता है। हम जा रहे हैं ये विश्वनाथ मंदिर, और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो ये देखिए सामने विश्वनाथ विश्वनाथ मंदिर का द्वार, और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो मोबाइल हम लॉकर में जमा करेंगे और फिर अंदर दर्शन करके आएंगे। तो मैं आपको दर्शन करने के बाद बताऊंगा कि अंदर कैसा रहा। जैसा कि अभी मंदिर के दर्शन करके मैं आ चुका हूँ बाहर, मैं अब जा रहा हूँ थाना चौक। तो थाना चौक मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई जा रहा हूँ थाना चौक पर, वहाँ पर है मशहूर कचौड़ी है राम भंडार की। तो हम जा रहे हैं राम भंडार पे, जो कचौड़ी के लिए और पूरी कचौड़ी और सब्जी आलू की सब्जी जलेबी के लिए फेमस है। और हम कहते हैं छठेरी बाजार, ये बनारस में पड़ता है छठेरी बाजार। और आपका ये गदौलिया चौराया है, वहाँ से ये मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये आपकी फेमस शॉप आ चुकी है द राम भंडार। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है और कितने लोग यहाँ पर चाव से खा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा बताया गया कि ये मणि मंदिर है और ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो जैसा कि लग रहा है कि नया मंदिर बना हुआ है, और बाकी आगे पता करेंगे कि ये कितने साल इसको बने हुए हो गए। बोलो जय श्री राम जय श्री राम। ये देखिए शिवलिंग, शिवलिंग काफी भव्य मंदिर। यहाँ पर आई थिंक 100 से ज्यादा शिवलिंग हैं, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए मन प्रसन्न हो गया दिल से एकदम। भोलेनाथ जय 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 भोलेनाथ शंभू महाराज की जय। ये इस मंदिर का नाम है मणि मंदिर। आई थिंक ये बहुत कम लोगों ने इस मंदिर का नाम सुना हुआ है बनारस में। मैंने काफी ब्लॉग्स चेक किए हैं, काफी देखे हैं, पर ये मंदिर नहीं है। और यह है द्वादश ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे व्हाइट कलर के शिवलिंग है और ये काफी काफी सुंदर और अद्भुत मंदिर है। हाँ ये मणि मंदिर है। तो ये शिवलिंग क्या किस लिए थोड़ा सा मतलब? ये सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर नर्मदा नदी से निकले हुए हैं। ठीक है। और इनकी प्राप्तिष्ठा हुई है। ठीक है। और यहाँ पर जो है स्फटिक शिवलिंग है और द्वादश स्फटिक शिवलिंग। तो कैसे थोड़ा समझाएंगे तो डिटेल में कैसे? जी स्फटिक शिवलिंग के ही इनका नाम मणि मंदिर रखा गया है। तो मेरा मन अति प्रसन्न और एकदम ऐसा हो गया है सच में भोलेनाथ को देखकर कि ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा महादेव का मंदिर जहाँ पर पूजा नहीं होती है, जिस मंदिर को शाप मिला हुआ है। और आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा स्टोरी में कि क्या इस महादेव मंदिर की स्टोरी है। तो आप देख सकते हैं ये आधा मंदिर है, ये आधा मंदिर डूबा हुआ है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ये किराया है, इसे कहा जाता है रत्नेश्वर महादेव मंदिर।
तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको मैं शॉर्ट स्टोरी में बता देता हूँ। इसकी स्टोरी है कि जो अहिल्याबाई होलकर थी उनकी दासी का नाम था रत्ना देवी। तो रत्ना देवी ने अपनी शिव मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की, तो अहिल्याबाई होलकर ने कहा ठीक है आप ये मंदिर बना सकते हो। तो जैसे ही उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया, जब मंदिर पूरा हुआ तो रत्नाबाई की इच्छा हुई कि इस मंदिर का नाम उनके नाम पर पड़े, तो उन्होंने नाम रत्नेश्वर उसका नाम रख दिया रत्नेश्वर महादेव। तो अहिल्याबाई नाराज होकर इस रत्नाबाई को कहा कि भाई इस जो महादेव का मंदिर तुमने बनाया है और उसको मैं श्राप देती हूँ कि इस मंदिर में कभी पूजा नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर, इसे थोड़ा सा टेढ़ेश्वर मंदिर भी कह रहे हैं, थोड़ा सा देखो टेढ़ा है, आप देख रहे हैं ये देखो नीचे पूरा मंदिर, आधा मंदिर डूबा हुआ पानी में, और अंदर कहा जाता है कि भगवान शिव का शिवलिंग है और जिसकी अभी तक पूजा नहीं हुई है।